ये सारे छक्के हैं, ठीक है, ये खेलने वाले नहीं है, ये छक्के हैं, ठीक है। इंजर्ड इन्होंने क्या होना है, इनको तो पहले ही सामान जो है इनका पूरा नहीं है, ये तो नामर्द टीम है। भारत की टीम आपको पता है पहले एशिया कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है। ऐसी टीम पालने से अच्छा हम कुत्ते पाल लें, ठीक है, लानत है तुम्हारे ऊपर। एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की कारकर्दगी पर बड़ी बातें की जा रही है। आपके जो परफॉर्मेंस है वो गलत है। और विराट कोहली दोनों भारत से है ना, भारत बाप है यार, ये चीज आप पहले क्लियर करें, भारत बाप है, इस चीज को आप तस्लीम करें। विराट कोहली किंग है, विराट कोहली किंग है। सॉरी आप इंडिया से तो नहीं है? हम इंडिया से, हम इंडिया से नहीं है, लेकिन हम जो जो स्पोर्ट अच्छा करेगा, आप स्पोर्ट आप बात उनके हक में कर सकते, लेकिन बाप ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। बस चले ना, खुदा की कसम एक एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को नंगा करके उनकी ऊपर लितर मारूं। मेरे बच्चों की कसम, मैं सिर्फ शर्म के मारे रो नहीं रहा कि लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाएंगे, मुझे ड्यूट करेंगे, स्टिच करेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। जिन्होंने आज बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल 1,01,00,000 दफा 2020 से बकवास कर रहा हूँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 252 आप रोहित शर्मा को दे दें, 252 आप किसी ये शिनाका को दे दें, वो बचा देता। मुझे ढंग ही नहीं रहा कि ये एक पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जब से पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब हो गई है, यदि इतनी खराब हो गई है। इन्होंने तनकीद का बहुत ज्यादा, यहाँ पे जाके इन्होंने मुकाला कर दिया, ठीक है, मतलब इनके वो मिसाल बड़ी अजीब सी है, मैं देना नहीं चाहूंगा। आपके जो परफॉर्मेंस है वो गलत है। और विराट कोहली दोनों भारत से है ना, भारत बाप है यार, ये चीज आप पहले क्लियर करें, भारत बाप है, इस चीज को आप तस्लीम करें। विराट कोहली किंग है, विराट कोहली किंग है। सॉरी आप इंडिया से तो नहीं है? हम इंडिया से, हम इंडिया से नहीं है, लेकिन हम जो जो स्पोर्ट अच्छा करेगा, आप स्पोर्ट आप बात उनके हक में कर सकते, लेकिन बाप ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप पाकिस्तानी हो, अगर आप में नहीं, ये बाप वाला ये क्रिकेट की, क्रिकेट की बात भाई, आपकी नंबर वन जो टीम है ना वो जाए तेल लेने, पाकिस्तानी अवाम को तेल के पीछे लगाया हुआ आप लोगों ने। भाई मुझे तो समझ नहीं आती ये लौंडे कहाँ से जाते हैं, खेलना खुलना इनको आता नहीं है, बर्गर खाते हैं, शॉर्मे खाते हैं, उसके बाद ये पता नहीं कौन कौन से टिकटॉक बनाते हैं। ये पाकिस्तान के जो दिलों पे ना ये जो ये छुरियां चलाते हैं ना, अल्लाह ही इनको पूछे कि जो जो ये करते हैं ना पाकिस्तानी अवाम के साथ। कोहली इज अ गुड मैच फिनिशर, विराट कोहली बाप है भाई, बाप है, बाप है, मान लो यार, चलो बाप को छोड़ो, लेकिन फिर भी वो लेजेंड है, बस लेजेंड, उसके लिए ये लफ्ज काफी है। इंडिया भाई भयंकर नजर आएगा, वो चांद पे भी पहुंच चुका है और वो क्रिकेट के मैदानों में भी पाकिस्तान की धुलाई कर रहा है। दूसरी बात ये है कि बस इस वक्त चांद वाली बात आप छोड़ो, ये क्रिकेट में बात हो रही है। भाई आप कहीं नहीं पहुंच सकते, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। हम वो इंडिया वाले पाकिस्तान से डरे हुए हैं, इंडिया वाले मीडिया उनके, इंडिया वाले कैसे डरे हुए हैं? मुझे ये बताएं कि नंबर वन टीम कौन सी है अभी? ओ भाई नंबर वन नहीं बताएं, एक मिनट, हाँ या ना, नंबर वन टीम वन और नंबर टू, नहीं नहीं सिर्फ ये बात नहीं है, ये बात नहीं, नंबर 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 वन और नंबर टू का बात नहीं है, नंबर वन और टू की। अगर विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो विराट कोहली उस वक्त खेलता था जब बाबर आजम बाहर से गेंदें उठा उठा के मैच मैदान में, तो वो नया प्लेयर है। विराट कोहली के मैचेस भी देखो, विराट कोहली के मैचेस भी देखो ना, मैं मानता हूँ विराट कोहली बेस्ट है, विराट कोहली बेस्ट है, विराट कोहली बेस्ट है। टीम आपको पता है पहले एशिया कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है और कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। एशिया कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की कारकर्दगी पर बड़ी बातें की जा रही है, टीम की कोचिंग और डिफेंसिव अप्रोच है उस पर भी तनकीद की जा रही, खास तौर पर इस मौके पर जब अगले महीने आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त आखिर कहां स्टैंड करती है, तमाम लोग इस बात का जवाब तलाश करना चाह रहे हैं। इस बारे में हम भी बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास साहब के साथ मौजूद है। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ज़हीर साहब क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आज का मैच, क्योंकि आज का मैच अब डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने जा रहा है? हाँ जी, बात यह है कि पाकिस्तान का स्कोर तो अच्छा था 252-247, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ बैटिंग देख रहा हूँ श्रीलंका की और हमारी अपनी बॉलिंग देख रहा हूँ, तो बॉलिंग में बिल्कुल बाइट नजर नहीं आ रही, फील्डिंग प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत है और श्रीलंकन बैट्समैन जब मर्जी एक ले लेते हैं, सिंगल्स ले लेते हैं और चौका मार देते हैं और दो रन ले लेते हैं, लिहाजा इस वक्त जो मुझे तो जो नजर आ रहा है, हालांकि अभी मैच काफी बाकी है, श्रीलंकन जो है बड़ी प्लानिंग से खेल रहे हैं और 133-42 हुआ है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये
कि ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ये एक पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जब से पाकिस्तान की टीम इंडिया से हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही खराब हो गई है, यानी इतनी खराब हो गई है। इन्होंने तनकीद का बहुत ज्यादा क्या समझ आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आपको नजर आ रहा है जीर साहब? देखिए बैटिंग में प्रॉब्लम बहुत हुआ आज, बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फील्डिंग प्लेसमेंट सही नहीं है। अब एक कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताया जाए। इसमें देखिए जब एक टीम होती है, पूरे मुल्क की टीम होती है और जो कि इस वक्त दुनिया की पाकिस्तान नंबर वन टीम चलाती है, वैसे तो ये खेल ही नहीं रहे हैं। आज भी बैटिंग भी देखे तो वो इतनी खराब थी, बॉलिंग बाद में स्कोर हुआ, एक आधा बैट्समैन ने स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ, तो ये लगता था कि पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ क्या आ रहा है, एतमाद की कमी क्यों नजर आ रही है, जिसना कि आज भी हमने देखा कि टॉप ऑर्डर ना काम हुआ है, तो आप समझते क्या है कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आ कहाँ पे रहा है जही साहब? बेसिक प्रॉब्लम यही है कि लड़के जो है कोई मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बस वो यही कर रहे हैं कि बस ये लड़के जो श्रीलंकन जो है वो खुद अपने विकेट देंगे और हम जो है वो बस ये ओवर पूरे करने आए। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि हम इन बैट्समैन को अभी आउट कर लें। लिहाजा मुझे जो है इस वक्त जो स्कोर इस वक्त है 134/2 जो है श्रीलंका का, मुझे तो ये ऐसा लगता है वैसे ऐसा ना हो कि श्रीलंका जो है उसका पल्ला भारी रहेगा और है भी। अच्छा जहीर साहब, आज के मैच के अलावा अगर हम पूरे एशिया कप की बात करें तो आपने पाकिस्तानी टीम को ओवरऑल कैसा देखा, क्या हम अब बड़े मुकाबलों के लिए आगे जाके तैयार हैं? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान की टीम को मैंने सोचा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।